हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू ट्रैवल योगा। तो आज हम जाने वाले हैं सेंतोसा, और सेंतोसा में दिखाते हैं आपको क्या नज़ारे हैं। तो चलो मिलते हैं सीधा सेंतोसा में। अगर आप सेंतोसा आते हैं तो अगर आप यहाँ पे बियर वगैरह पी सकते हैं, बड़ी अच्छी मीठी मीठी सी बियर मिलती है यहाँ पे। या हेलो गाइस, सो मैं सेंतोसा पहुंच गया हूं और मुझे यहां पे मेरे एक बड़े भाई मिल गए हैं, मिस्टर विजय कुमार। या हाय। सो अभी मास्क हटा नहीं सकते यार, यहां बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा चलान वलान हो जाता है। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं कैसीनो में, और ये इनका ये मेन एंट्रेंस है। और अच्छा, तो हम लोग फॉरेनर्स हैं तो हमारे लिए क्या इनका एंट्री फ्री है हम लोगों की, लेकिन जो यहाँ पे लोग जो पीआर हैं और जो सिटीजन है उनको करीबन 8-10 हज़ार रुपये भरना पड़ता है एंट्री, एक बार एंट्री के लिए। या तो चलो अभी अंदर होके आते हैं, थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह लेके आते हैं। अंदर की वीडियो बना नहीं सकता मैं, तो मिलते हैं एक बाद में, आके बताते हैं हारे जीते क्या चक्कर है। ओके बाय। ओके सो फाइनली हम लोग कसिनो से निकल गए हैं, और मतलब उम्मीद थी जीतेंगे, थोड़ा जीते भी, लेकिन लास्ट में पहुँचे $80 तक, लेकिन $20 फाइनली हार गए। मैं करीबन $6 हार गया। $6 का मतलब है 6×5=300 रुपये के आसपास में हार गया। 20-25 पर चलो ठीक है, एक दो घंटे टाइम पास हो गया। 1000 रुपीज़। पर ये भैया हमारे बहुत दिनों बाद आए सिंगापुर, तो या इनको क्या कहें, मन कर रहा था तो चलो ठीक है। हाँ, बहुत दिनों से कैसीनो खेले नहीं है, तो भाई खेलना जरूरी था। चलो आप बाहर सामने का थोड़ा माहौल देखो, लोग घूम रहे हैं, छुट्टी उट्टी मना रहे हैं। साइड से चलते हैं। आज सैटरडे है, वीकेंड है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो मतलब लोग इतने है ही नहीं। अभी कोरोना में सब लोग कोई घर से बाहर निकलता नहीं है। देखो जरा, सब खाली खाली सा है इधर। ये पीछे क्या हार्ड रॉक कैफे है, लोग शूटिंग कर रहे हैं, टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। यहाँ फोटो वोटो, जेली बेली, फोटो पॉइंट, चॉकलेट के साथ फोटो खिंचवा लो। तो आइसक्रीम वगैरह मिलती है, सॉरी चॉकलेट्स वगैरह। सो ये यूनिवर्सल स्टूडियो टाइप है, यूनिवर्सल यही है सेंतोसा मेन। तो और बाकी सारा खाली खाली सा है। गोला कहाँ गया, वो रहा गोला गोला। सामने एक गोला है, उस गोले में धुआं निकलता है, यूनिवर्सल स्टूडियो दिस साइड, गो फ्रॉम हियर। लोग बैठे हैं, छुट्टी, थोड़ा वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल स्टूडियो वाला गोला घूम तो रहा है, लेकिन इसमें धुआं नहीं निकल रहा, पहले धुआं निकलता था।
घूम रहा है धीरे धीरे। तो ये मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का, इसके अंदर बहुत कुछ है। मतलब इसकी टिकट अराउंड होती है $80 के आसपास की। मैं गया नहीं इसके अंदर, कभी जाना है, अभी तक गया नहीं। अब भी नहीं गए शायद, है ना यूनिवर्सल स्टूडियो? तो किसी दिन जाना है। इसके अंदर राइड्स वगैरह और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। तो $80 में आपको मोस्टली जो राइड्स वगैरह हैं वो सब अंदर फ्री होती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें पेड हैं पर मोस्टली सारी फ्री हैं। रोलर कोस्टर है वो सब फ्री हैं। तो एक बार टिकट करा लिया तो सारी फ्री है। कुछ चीज़ें हैं, हाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि है वो, तो चलो देखेंगे, किसी दिन आपको दिखाएंगे अंदर जाके तभी पता लगेगा। पर सिंगापुर में मेन, अगर यहाँ सिंगापुर आते हैं तो लोग यूनिवर्सल स्टूडियो जाते ही जाते हैं। मेन सेंटोसा में तो यही है, कैसीनो है और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, और ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं आगे एक बार। सो यहाँ पे दो हैं, ये एडवेंचर को वाटर पार्क है और इस साइड ये सी एक्वेरियम है। तो सी एक्वेरियम में जाओ, वहाँ पे जाके तो दीवारों के पीछे मछली वछलियाँ सी घूमती रहती हैं, वही है। दोस्तों ये गुफा है कोई, बाबा आदम के ज़माने की गुफा। ओ माय गॉड, इट्स सो डेंजरस। डरने की जरूरत नहीं है, सारी मैन मेड आर्टिफिशियल गुफा है। हेलो गाइस, सो दिस इज बोन्स एंड बैरल्स। अगर आप सेंटोसा आते हैं तो अगर आप यहाँ पे बियर वगैरह पी सकते हैं, बड़ी अच्छी मीठी मीठी सी बियर मिलती है यहाँ पे। खाना भी अच्छा है, नान वगैरह चीज़ नान मिलती है, बड़ी अच्छी मिलती है। दिस वन इज़ वेरी नाइस। इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी आपको, नान वगैरह पनीर वगैरह सब मिलेगा यहाँ पे। कुछ कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अभी बारिश हो रही है इस चक्कर में भी थोड़ा लोग कम है वीकेंड में।